हेलो हेलो। हेलो प्रदीप कप से है ना। चलो दोनों मैच आए हैं चाहे मैच सर एक मिनट सर एक मिनट रुको चला स्कोर में बांधा हो जाए। हेलो हेलो। आज के जो मैन ऑफ द मैच आईडीए नांदेड़ के महेश पोकड़े। आईडीए नांदेड़ के महेश पोकड़े जो सुबह के मैच में अभी के मैच में ना अभी के बनाए थे अभी के मैच में जो 51 रन बनाए थे। हाँ एसडीए वर्सेस नांदेड़ आईडीए नांदेड़ एसडीए परभनी वर्सेस आईडीए नांदेड़ महेश जय भाई आया में नांदेड़ वर्सेस आईडीए परभनी के जो मैन ऑफ द मैच है मंगेश वरकड़ और आया में नांदेड़ वर्सेस एसडीए परभनी के बीच अभी जो मैच हुआ उसके मैन ऑफ द मैच हेलो। आई एम ए नांदेड़ वर्सेस आईडीए परभनी के बीच जो मैच हुआ था मंगेश वरकड़ 2 ओवर 21 रन 2 विकेट।
हेलो, आई एम ए नांदेड़ वर्सेस एसडीए परभनी के जो बीच मैच हुआ उसके जो मैन ऑफ द मैच है परमोल हम्बर्डे। डॉक्टर फैसल के हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। इन 6 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 25 रन। दो विकेट के नुकसान पर फिर से मिड विकेट के स्थान पर खेला। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 3-4 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 29 रन। दो विकेट के नुकसान पर नीमा नांदेड़ वर्सेस परभनी आईसीयू के बीच ये मैच चलता हुआ। परभनी आईसीयू ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अच्छी गेंद, गेंद उनके पैरों से टकराई। ओवर की समाप्ति, तो कुल 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। केसर खाने व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से 4th ओवर लेकर।
अच्छी गेंद डॉट कराने में कामयाब केसर खाने, जो सुबह के मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे केसर खाने। अच्छी गेंद, स्वीप करना चाहते थे उसे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद उनके पैरों से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं थमा हुआ 29 रनों पर, जबकि यह चौथा ओवर जारी नीमा नांदेड़ की ओर से। फिर से अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट के स्थान पर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर में ही थमा हुआ 29 रनों पर। हल्की यादों से खेला वहां पर गली के स्थान पर, खिलाड़ी मौजूद, तब तक समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, एक रन दौड़कर पूरा किया, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 30 रनों पर। डीप मिड विकेट के स्थान पर खेला और गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, इन 6 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 36 रन, जबकि ये चौथा ओवर जारी नीमा नांदेड़ की ओर से। फुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट के स्थान पर, बरगेन ने बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर पॉइंट के स्थान पर गई, तब तक समय था एक रन दौड़कर पूरा किया, ओवर की समाप्ति, तो कुल 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए परभनी आईसीयू। वेंकट पाटिल व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर। हल्की हाथों से खेला वहां पर पॉइंट के स्थान पर, तब तक समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, एक रन दौड़कर पूरा किया, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 38 रनों पर, जबकि ये 5वां ओवर जारी। स्लोर वन गेंद कराई थी, खेला वहां पर डीप कवर के स्थान पर, खिलाड़ी मौजूद वहां पर, अच्छी फील्डिंग, तब तक समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, एक रन दौड़कर और थोड़ा सा और थ्रो हुआ वहां पर, और अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, स्कोर जा पहुंचा 40 रनों पर। स्लोर वन गेंद कराई थी, डीप मिड विकेट के स्थान पर खेला वहां पर, खिलाड़ी मौजूद, दूसरा रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, मना किया वहां पर, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 41 रन, जबकि 5वां ओवर जारी नीमा नांदेड़ की ओर से। फिर से स्लोर वन गेंद कराई थी, एक रन दौड़कर पूरा किया, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। परभनी आईसीयू टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए।
शॉर्ट गेंद दी, खेला उसे डीप लॉन्ग ऑन के स्थान पर, खिलाड़ी मौजूद वहां पर, तब तक समय था, एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 43 रन, जबकि ये पांचवा ओवर जारी। अफटम से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर सुजात कादरी। इसे एक अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 44 रन। टप्पा खाने के बाद नीचे रही, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर की समाप्ति। तो कुल पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 44 रन, दो विकेट के नुकसान पर। कपिल पांच ओवर 44 रन, दो विकेट। अच्छा शॉट खेला वहां पर, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई खिलाड़ी के हाथों से, गेंद बॉडी लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इन चार रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 48 रन, जबकि ये छठा ओवर जारी। स्लो रन गेंद कराई थी, डीप लॉन्ग ऑन के स्थान पर खेला, खिलाड़ी मौजूद, तब तक समय था, एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 49 रन। इस एक रन की सहायता से 50 रन पूरे पर बनी आईसीयू के। लेग स्टंप को छोड़ती हुई निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा, तो इसे एक अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 51 रन, दो विकेट के नुकसान पर बनी आईसीयू। इस बार अच्छी गेंद, लेग स्टंप को छोड़ती हुई निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा, तो इसे एक अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 52 रन। स्लो रन गेंद कराई थी, गेंद हवा में है और आसान सा कैच, तो तीसरा झटका लगा यहां पर प्रभनी आईसीयू को। एक गेंद आना शेष, स्लो रन गेंद कराई थी, खेला डीप स्क्वायर लेग के स्थान पर, खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, तब तक समय था, एक रन दौड़कर पूरा किया। ओवर की समाप्ति, तो कुल
तो कुल 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वेंकट पाटिल व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर। गेंद हवा में है और आसान सा कैच वहां पर, खुद फॉल थ्रो में वेंकट पाटिल। तो चौथा झटका लगा प्रभनी आईसीयू को। डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर खेला गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। परभनी आईसीयू अच्छी गेंद खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट के स्थान पर। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर वही थमा हुआ 57 रनों पर, जबकि 7वां ओवर जारी। स्लोर वन गेंद कराई थी एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 58 रन। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 58 रन।
हेलो और आउट पैंसठ रन बनाए 66 रनों का लक्ष्य ओवर हो गए ओवर एक गेंद आना शेष नो बॉल और फ्री हिट फ्री हिट रन आउट को छोड़कर किसी भी तरह का खतरा नहीं होता इस गेंद पर बल्लेबाज को देखना है फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पर तब तक दो रन दौड़कर पूरे किए तो 68 रन बनाए 69 रनों का लक्ष्य जीतने के लिए नीमा नांदेड़ जल्द से जल्द फील्डिंग लगाए परभनी आईसीयू सभी खिलाड़ी जल्द से जल्द ग्राउंड में जाए ज्यादा वक्त ना ले टाइम काफी कम है परभनी आईसीयू के सभी खिलाड़ी जल्द से जल्द अपनी फील्ड की सजावट कर ले रन बनाए जल्द से जल्द फील्ड की सजावट कर ले परभनी आईसीयू
एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीमा नांदेड़। हल्के यादव ने खेला वहां पर, एक रन दौड़कर पूरा किया, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 20 रन। गजानन गरुड़ व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, फुल टॉस गेंद थी, खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट के स्थान पर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही थमा हुआ 20 रनों पर। फुल टॉस गेंद थी, पूरा फायदा उठाया, डीप स्क्वायर लेग के स्थान पर खेला, गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 24 रन। फिर से फुल टॉस गेंद खेला, उसे गेंद हवा में है और कैच छूटा वहां पर, तब तक 2 रन दौड़कर पूरे किए। फिर से कैच छूटा वहां पर, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 27 रन। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, 2 रन दौड़कर पूरे किए, ओवर की समाप्ति। तो कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीमा नांदेड़। पहले बल्लेबाजी करते हुए परभनी आईसीयू ने 68 रन बनाए, 69 रनों का लक्ष्य रखा है नीमा नांदेड़ के सामने। मैच जल्द से जल्द चालू रखे, ज्यादा वक्त ना ले। एक रन दौड़कर पूरा किया, इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 30 रन। प्रदीप कापसे व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर, इस टूर्नामेंट के कल 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच खिलाया जाएगा। कल सुबह ठीक 9 बजे पहला सेमीफाइनल मैच,
लेट कट किया वहां पर, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की ओर चार रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 35 रन, जबकि तीसरा ओवर जारी। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से 6 रन। दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर। स्कोर जा पहुंचा 42 रन। आगे आकर डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर खेला वहां पर 6 रनों के लिए। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन। फिर से यहां पर गेंद हवा में, मर गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 52 रन। स्लोर वन गेंद कराई थी, हल्की आदत खेला गली की स्थान पर, तब तक एक रन दौड़कर पूरा किया। तो पहला विकेट पर नीमा नांदेड़। केसर खाने आए हो उनकी जगह लेने बल्लेबाज, जो सुबह के मैच के मैन ऑफ द मैच थे केसर खाने।
एक दो तीन चार ओवर 53 रन कितने हो ना आप 24 में तीन बॉलर का नाम क्या है? चौपन। बॉलर का नाम क्या? प्रदीप कापसे सेकंड। प्रदीप कापसे व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से पांचवा ओवर लेकर आगे आकर खेला। उसे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आते ही यहां पर दर्शाया केसर खाने ने छक्का लगाकर। स्कोर जा पहुंचा 60 रन। लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। स्कोर जा पहुंचा 61 रन। हल्के हाथों से खेला उसे पॉइंट के स्थान पर। एक रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 62 रन। 7 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। कल इस टूर्नामेंट के 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच खिलाया जाएगा। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अमोल सर से, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, केवल 7 रन चाहिए। कल सुबह पहला सेमीफाइनल ठीक 9 बजे चालू होगा। चार रन। तीन रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए नीमा नांदेड़। और ये मैच जीत लिया है नीमा नांदेड़ ने। अमोल सर से इस मैच के मैन ऑफ द मैच। कल सुबह ठीक 9 बजे जो पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा नीमा नांदेड़ वर्सेस आईडीए नांदेड़। बॉल बॉल फेंके भाई इधर, अंपायर बॉल लेके आओ। और दूसरा सेमीफाइनल परभनी आईसीयू।